हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया जाता है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा सॉरी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि किसी काम में मैं बिजी था। बट अब मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करूंगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 2x2 को एकदम ईजिली सीख पाएंगे। एंड ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, तो आपका टाइम भी काफी बचने वाला है। ओके, और अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब आता है या नहीं भी आता है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई नई एल्गोरिदम्स मैं नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ एक एल्गोरिदम याद करनी होगी, वो भी अगर आपको 3x3 आता है तो वो भी नहीं याद करनी होगी। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि कैसे एक 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना हमारा, वो होता है कि हमें एक लेयर बनानी होती है 2x2 रूबिक्स क्यूब में। देखो, 3x3 रूबिक्स क्यूब और 2x2 रूबिक्स क्यूब में एक ही डिफरेंस होता है। तो 3x3 रूबिक्स क्यूब में तो हमें तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं एंड साथ ही साथ एज पीसेस भी देखने को मिलते हैं, बट 2x2 में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं और एज पीस भी नहीं होते। तो 3x3 के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें बनाना है एक कलर, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ चार मूव्स बताऊंगा। वही रिपीट करते जाओगे, आपका एक कलर बन जाएगा। सबसे पहले डिसाइड करना है आपको कि वो कौन सा कलर मैं बनाने वाला हूं। तो जनरली बिगनर लोग व्हाइट कलर से स्टार्ट करते हैं, वैसे इसमें कोई से भी कलर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आप व्हाइट कलर से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर बनाने वाला हूं। अब इसमें कोई सेंटर पीस तो होता नहीं है, मतलब आपको यह तो पता नहीं है कि कौन सा कलर कहां बनने वाला है। रेंडमली क्यूब को कहीं पर भी पकड़ लो एंड स्टार्ट कर लो अपना सॉल्व करना। वैसे जरूरी होता है कि यार आपको जो इजी लग रहा है वहां से स्टार्ट करो। मान लो मैं इस कॉर्नर को अपना रेफरेंस मानकर स्टार्ट करता हूं, मतलब अब मैं इसी कॉर्नर से सारे कॉर्नर्स को सॉल्व करूंगा और यहां पर व्हाइट कलर बनाने वाला हूं। कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले यहां पर कौन सा कॉर्नर आना चाहिए, यहां पर वो कॉर्नर आना चाहिए जिसके पास रेड हो और व्हाइट कलर हो। बस दो ही कलर देखो, यहां पर तीसरा कलर देखने की जरूरत ही नहीं है। रेड कलर हो और व्हाइट कलर हो यहां पर आना चाहिए। कहां पर है वो, ये रहा, ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है। बट ये लगा होना चाहिए था कैसे, सही पोजीशन पर, ये फ्लिप्ड है। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो कॉर्नर आपने रेफरेंस माना है ना उसको नीचे रख दो और क्या करो, इस वाले कॉर्नर को, अगर ये गलत पोजीशन पर लगा हुआ है बट इसकी पोजीशन सही है, मतलब कि पोजीशन सही है बट ये फ्लिप्ड है, कुछ नहीं करना है। चार मूव्स याद रखने हैं, ऐसे पकड़ो और जिस लेयर में ये लेकर जाना है ये कॉर्नर यहीं पर लगेगा। क्या करना है, अब चार मूव्स, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, बस चारों कॉर्नर्स में यही करना है और तब तक रिपीट करते रहो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सॉल्व हो गया। तीसरा कॉर्नर यहां पर कौन सा कॉर्नर आएगा, जिसके पास व्हाइट कलर हो, जिसके पास ग्रीन कलर हो, कहां है ये रहा, ये भी हमारा ऑलरेडी गलत पोजीशन पर लगा हुआ है। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये मान लो यहां पर लगा होता है, करना क्या है, एक ही चीज करनी है, उस कॉर्नर को उस लाइन में लेकर आना है जहां पर यह लगना होगा। ये यहां पर लगना होगा, उस लाइन में हो गया, या तो यहां पर हो सकता है या यहां हो सकता है, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। वही चार मूव्स को रिपीट करो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट कॉर्नर ये वाला बचा हुआ है, इसको भी यहां पे ब्लैंक स्लॉट में, राइट को ऊपर, और ये हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई, लास्ट लेयर को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम वैसा ही है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे आपने व्हाइट कलर को सॉल्व किया है ना ऐसे ही आपको येलो कलर को सॉल्व करना है। अब येलो कलर को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको पोजीशन नहीं देखनी है। सिंपली क्या करो, क्यूब को अपने टर्न कर दो और व्हाइट कलर को क्या ले आओ, टॉप पर ले आओ, टॉप पर ले आए। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कोई भी येलो कलर आपका पोजीशन पर है। हमारे केस में दो कलर्स हैं, तो कभी कभी क्या होता है या तो एक कलर होता है या दो कलर होते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना कि कितने कलर्स हैं। सिंपली क्या करो, अगर आपको कलर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई कलर नहीं दिख रहा है, सिंपली जो कलर दिख रहे हैं ना उनको यूज नहीं करना है। कोई भी गलत कॉर्नर, मान लो ये वाला कॉर्नर है, इसमें हमें येलो कलर नीचे नहीं दिख रहा है, इसको अपने सामने ले आओ, मतलब कि इस स्लॉट में रखो जिसमें राइट लेयर है आपकी, और वही स्टेप रिपीट करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम वाला, तब तक जब तक येलो कलर नीचे नहीं दिख जाता। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, जो हमने व्हाइट वाले के साथ किया था। यू प्राइम को करना मत भूलना कभी भी, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं बट ये नहीं करना हमें। व्हाइट पर ध्यान मत दो, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब क्या करो,
क्यूब की पोजीशन को ऐसे ही रखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना, और जो गलत कॉर्नर है आपको उसको सामने ले आओ। ये गलत कॉर्नर था, इसे सामने ले आए, अब इसको फिर से वही करो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और अब आप देखोगे कि आपका वाइट कलर बन गया, उसकी ऑलरेडी एक लेयर हम बना चुके थे, तो वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी जब हमारा येल्लो कलर कंप्लीट हो जाएगा। येल्लो कलर कंप्लीट हो गया, बस अब इस क्यूब में कुछ भी नहीं बचा है। कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं, अब मैं एक बार आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यार इसके बाद ना ये क्यूब बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब आपको सिंपली हेडलाइट देखनी है। हेडलाइट का मतलब क्या है कि आपके कोई भी दो कॉर्नर्स के कलर जो है वो मैच होने चाहिए। मतलब यहां पर रेड रेड की आपको हेडलाइट दिख रही है ना, ऐसा कभी कभी होता है कि हेडलाइट नहीं देखने को मिलती। उसमें क्या करना है, जो एल्गोरिदम आपको हेडलाइट के केस में लगानी है ना, वही एल्गोरिदम आपको अगर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो वही एल्गोरिदम आप लगाओ तो आपको एक हेडलाइट मिल जाएगी, एंड उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करना है, इस हेडलाइट को येलो वाले फेस को वापस ऊपर कर दो, इस हेडलाइट को पीछे रखो और वो वाली एल्गोरिदम करो जो हमने ऑलरेडी 3x3 रूबिक्स क्यूब में सीखी हुई है, सीफॉप मेथड अगर आपको आता है। क्या करना है, आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू आर एफ प्राइम आर प्राइम बी टू आर टू, और हमारा 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार आपको वो वाला केस भी बता देता हूं अगर आपको समझ में ना आए। मान लो देखो, इसमें हमें कोई हेडलाइट देखने को नहीं मिल रही, चारों कलर्स अलग अलग हैं। सिंपली क्या करो, ये वाली एल्गोरिदम को लगाओ रेंडमली, कहीं से भी आपको एक हेडलाइट मिल जाएगी, उसे बैक में रखो और फिर से ये एल्गोरिदम लगाओगे तो आपका क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी होता है 2x2 को सॉल्व करना, मैंने बस वीडियो बना दिया है। वैसे अगर आपको 3x3 आता है तो इसकी भी नीड नहीं थी, बट स्टिल आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे एक 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।